और 1970 से फुटबॉल की दुनिया में इस प्रकार प्लेंटिक शूटआउट को शुरू कर दिया गया। हालांकि वो नियम भी ज्यादा दिन तक नहीं चला। 1990 आते आते प्लेंटिक शूटआउट को बंद कर दिया गया। गोल्डन गोल और कांस्य गोल के आधार पर मैच का निर्णय निकल जाता था। हालांकि 2000 आते आते उस नियम को बंद कर दिया गया। फिर से इस प्रकार टाइब्रेकर शुरू प्लेंटिक शूटआउट को शुरू कर दिया गया। तो समय के साथ साथ खेल का जो शैली है उसमें बदलाव हम लोग देख रहे हैं। तो पहले किक लेने का मौका मिला यहाँ पर रेमिक्स जमशेदपुर टीम के खिलाड़ी को। किक लेंगे 8 नंबर के खिलाड़ी फिर तो बहुत ही ताबड़तोड़ और फिर तो उसके द्वारा पहला शॉट को गोल में तब्दील कर चुके। पर नेशनल प्लेयर का यहाँ पर बहुत ही दमदार शॉट हम लोग देखे। अरमानपुर के खिलाड़ी किस तरह जब भी टीम जीतेंगे मैदान के अंदर ही रहेंगे, ये कमेटी का कहना है, ये कमेटी का आदेश है। वासुदेव बाबा सिंह टीम के कप्तान और मैनेजर, आप अपने खेल को हमारे टेक्निकल जोन में आप पहुंचा देंगे। समय बहुत ही कम है, बिना विलंब के आप हमारे टेक्निकल जोन में आप चले आएंगे। जैसे बीच पर रोहित बॉल को सजाते हुए बहुत अच्छी शॉट पर रोहित मुंडा के द्वारा कमाल का खेल को खेले बागुना। तो जमशेदपुर एक स्टार टीम का ये प्रोडक्ट है। दोनों टीम का पहला शॉट गोल में तब्दील हो चुकी है। देखने वाली बात है अगले शॉट के लिए जो धनंजय 12 नंबर के खिलाड़ी जा रहे हैं किस तरह का शॉट लेंगे और गोलकीपर क्या करते हैं। बचाओ यहां पर गोलकीपर अंकित के द्वारा एक नंबर का शॉट, लेकिन एक नंबर का बचाओ यहां पर अंकित के द्वारा बिल्कुल चीते की बात है। छलांग लगाकर बॉल को नाकाम करने में कामयाब रहा। और यहां से आगे की राहें थोड़े से कांटाफरी हो सकती है रिमेक्स जमशेदपुर टीम के लिए। अगला सुडर पर मानपुर एफसी टीम के लिए ताशा किस तरह का शॉट लेंगे देखना होगा। बहुत ही सुंदर सा शॉट यहां पर ताशा के द्वारा अपने पाले का दूसरा शॉट को गोल में तब्दील करने में कामयाब हो चुके हैं। और अब तक दो दो किक में रिमिक्स जमशेदपुर मानपुर एफसी टीम का दो शॉट में दो गोल है। राजू सोरेन आप बॉल को किक लगाने के लिए बॉल को हाथ में ले चुके और गोलकीपर फिर से अंकित क्या उसी तरह का कारनामा को दोहरा पाएंगे जो पिछले शॉट में उन्होंने टाइप लगाकर के बॉल को बचाए। बहुत अच्छी चकमा है पर राजू सोरेन के द्वारा सुंदर शॉट सुंदर गोल दागने में कामयाब होता हुआ नरोमन सिद्धर के कच्चे ऑल राउंडर प्लेयर के रूप में फुटबॉल के दुनिया में उनको जाना जाता है। बहुत ही कमाल का शॉट लगा है। गोलकीपर हो या खिलाड़ी हो ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि सेमीफाइनल के बाद फाइनल का मैच भी होगा। फाइनल ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहेंगे। जितने भी हमारे आमंत्रित अतिथि है जब तक हमारे कमेटी मंच में कदम नहीं रखे आप हमारे कमेटी मंच में अभिनम चलाएंगे। आप सबको सादर आमंत्रण हमारे कमेंट्री मंच में। त्रिगुंडी माड़ी पर किक लेंगे
बहुत ही धारदार शॉट पर गुंडी माटी के द्वारा बॉल में पावर था और पूरी तरह बॉल कोने में समा गया। सुंदर शॉट, सुंदर गोल, दगन में कामयाब हो चुके हैं। चलिए आज आप थोड़ा सा साइकोलॉजी के लिए प्रेशर करने की कोशिश में तासा गोलकीपर गोलपोस्ट में आ रहे हैं क्योंकि रिमिक सिंह के खेल के साथ कई सारे मैचेस को खेले हैं, उनके कमजोरियों को जानते हैं। हालांकि रिमेश की खैर भी तसा का कमजोरियों को जानते हैं, तो आखिर करके इनका चलाकी काम आएगा यह दिखना होगा। किक लगाने के लिए बॉल को सजाते हैं पर सात नंबर की खिलाड़ी अमन शॉटर आसान सा बचाओ यहां पर तासा के द्वारा। काफी निराश होंगे यहां पर रिमिक्स जमशेदपुर के मैनेजर की खुद उनके खिलाड़ी दो दो सेव कराए, दो विपक्षी दल के खिलाड़ी को या गोलकीपर को नहीं देना चाहेंगे और मन ही मन ये सोच रहे होंगे रिमिक्स जमशेदपुर के मैनेजर कि जो जख्म मिला, जी हाँ जो जख्म मिला फूलों से मिला, कांटों की शिकायत क्यों करें, अब जो दर्द मिला अपनों से मिला गेहूं की शिकायत क्यों करें। होता है मैच में ऐसा, तो पहाड़ से एडवांटेज रिमिक्स खो चुके हैं, यानी अब तक दो एडवांटेज हाथ में लगा हुआ मानपुर एफसी टीम के लिए। जो भी खिलाड़ी जो भी टीम जीतेगा मैदान के अंदर रहेंगे। बासु जेजे बाबा टीम के कप्तान और मैनेजर अपक्का खेड़ को मेडिकल में पहुंचा दें। टावर के द्वारा बहुत ही शानदार शॉट, शानदार गोल। इसी के साथ यहां पर टाइब्रेकर में जीत हासिल की है यहां पर मानपुर एफसी। आज पूरे टूर्नामेंट में शानदार शॉट, शानदार गोल मारे और आखिरकार इस सफर के लिए क्वालिफाई करें। हाथ से निराश ना हो और रिमिक्स जमशेदपुर टीम के खिलाड़ी खेल में हार जीत लगा ही रहता है और उसमें खेल के जगत में ही कहा जाता है कि ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है।